हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सोलर रेडिएशन में मेज़रमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मेज़रमेंट और सोलर रेडिएशन में हमने बात की थी पायरोनोमीटर की, और आज हम लोग बात करेंगे पायरोहेलीमीटर और सनसाइन रिकॉर्डर के बारे में। दोस्तों, पायरोहेलीमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ सोलर इरेडिएशन। पायरोमीटर जैसे हमने देखा था, उसके बाद पायरोहेलीमीटर की बात करते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट करता है सोलर रेडिएशन को, सोलर इरेडिएशन को। एंड सनलाइट इंटर्स द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विंडो एंड इज डायरेक्टेड ऑन टू अ थर्मोपाइल विच कन्वर्ट्स हीट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी रिकॉर्डेड। तो ये क्या कर रहा है, सनलाइट इंटर्स करती है इंस्ट्रूमेंट थ्रू अ विंडो एंड इज डायरेक्टेड ऑन टू अ थर्मोपाइल, जो कि कन्वर्ट करता है हीट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन दैट कैन बी रिकॉर्डेड। द सिग्नल वोल्टेज इज कन्वर्टेड वाया फॉर्मूला टू मेजर वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। क्या है, वॉट पर स्क्वायर मीटर। इट इज़ यूज विद अ सोलर ट्रैकिंग सिस्टम टू कीप द इंस्ट्रूमेंट्स एम्ड एट द सन। A pyrometer is often used in the same setup with a pyrometer. आगे हम लोग बात करते हैं। तो टिपिकली जो pyrohalometer है, ये मेजरमेंट करता है एप्लीकेशन जिसमें इंक्लूड साइंटिफिक, मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस, मटेरियल टेस्टिंग रिसर्च और असेसमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सोलर कलेक्टर्स एंड फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। द pyrohalometer is a broad band instrument that measures the direct या beam component of solar radiation at the normal incidence. इसका मतलब यह है, this means that the instrument is always aimed directly at the sun via tracking mechanism that continuously follows the sun. It is a sensitive to wavelength in the band from 280 to 300 nm. तो आप यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पायरोहेलीमीटर। इसका ये सेटअप है, किस तरह से यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। तो पायरोहेलीमीटर हमने देखा यहाँ पर कि इज़ अ ब्रॉडबैंड इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन एट नॉर्मल इंसिडेंट्स, एंड दिस मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एम्ड डायरेक्टली एट द सन वाया ट्रैकिंग मैकेनिज्म दैट कंटिन्यूसली फॉलो द सन। इट्स सेंसिटिव वेवलेंथ ऑफ द बैंड कितनी है, फ्रॉम 280 टू 300 nm। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो सोलर इरेडिएशन इंटर्स द इंस्ट्रूमेंट थ्रू अ सील्ड क्रिस्टल क्वार्ट्ज विंडो एंड द सनलाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू अ थर्मोपाइल विच कन्वर्ट्स हीट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी रिकॉर्डेड। अ कैलिब्रेशन फैक्टर इज अप्लाइड, कैलिब्रेशन फैक्टर जो है वो इज अप्लाइड व्हेन कन्वर्टिंग द मिली वोल्ट सिग्नल टू एन इक्विवेलेंट रेडिएटेड एनर्जी फ्लक्स मेजर्स इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो कैलिब्रेशन फैक्टर ले रहे हैं, कैलिब्रेशन फैक्टर जो कि अप्लाइड हो रहे हैं व्हेन कन्वर्टिंग कर रहे हैं मिली वोल्ट सिग्नल टू एन इक्विवेलेंट रेडिएट एनर्जी फ्लक्स मेजर इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। इस डायग्राम जो कि हमने यहाँ पर देखा पायरोहेलीमीटर का, द डायग्राम ऑफ पायरोहेलीमीटर। नेक्स्ट फर्दर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। पायरोहेलीमीटर दिस शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज टू बिल्ड अप आइसोलेशन मैप्स एंड आइसोलेशन फ्रॉम आई एन कमिंग SOLs रेडिएशन इज मेजर ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ गिवन सरफेस एरिया इन अ गिवन टाइम। क्या मेजर कर रहा है, मेजर्स ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ गिवन सरफेस एरिया इन अ गिवन टाइम एंड सीन इन द मैप बिलो वेरीज अराउंड द ग्लोब नोइंग दैट द इंसुलेशन फैक्टर इज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इज यूजफुल व्हेन सेटिंग अ सोलर पैनल। सोलर पैनल को फिक्स करने से पहले हमें या सेटअप करने से पहले हमें इस फैक्टर को भी देखना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज़ द नोइंग दैट द इंसुलेशन फैक्टर इज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इज यूजफुल व्हेन सेटिंग अ सोलर पैनल्स। व्हेन रीडिंग्स आर कंपेयर्ड ओवर टाइम दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सन साइन रिकॉर्डर के बारे में, किस तरह से ये काम करता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सन साइन रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सन साइन रिकॉर्डर। सन साइन रिकॉर्डर हमारा डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ सन साइन एट अ गिवन लोकेशन। नाम से इंडिकेशन चल रहा है कि सन साइन का क्या काम है। सन साइन रिकॉर्डर का काम है, सन साइन रिकॉर्डर इज़ अ डिवाइस जो कि रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ सन साइन एट अ गिवन लोकेशन। जो रिजल्ट प्रोवाइड, दिस रिजल्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, तो द रिजल्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें क्या रिजल्ट मिलता है, वेदर और क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। और दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन मेट्रोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड अदर फील्ड्स। तो आपने देखा कि सनसाइन रिकॉर्डर हमारे डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ सनसाइन एट अ गिवन लोकेशन, और इसके रिजल्ट से प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट द वेदर और क्लाइमेट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन मेट्रोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और अदर फील्ड्स में। अगर हम बात करते हैं आगे, देयर आर द टू बेसिक टाइप ऑफ सनसाइन रिकॉर्डर। वन टाइप यूजेस द सन इट्सेल्फ एज अ टाइम स्केल्स। पहले फर्स्ट टाइप में क्या होगा, इन द फर्स्ट टाइप सनसाइन रिकॉर्डर्स ओनली टाइप यूजेस द सन इट्सेल्फ एज अ टाइम स्केल फॉर द सनसाइन रीडिंग। एंड द अदर टाइप्स, इन द सेकेंड टाइप, द सेकेंड टाइप यूजेस ऑफ सम फ्रॉम अ क्लॉक फॉर द टाइम स्केल। तो यहाँ पर हमने देखा दे आर द टू बेसिक टाइप ऑफ सनसाइन रिकॉर्डर। वन टाइप यूजेस द सन इट्सेल्फ एज अ टाइम स्केल फॉर द सनसाइन रीडिंग, एंड द अदर टाइप यूजेस सम फ्रॉम क्लॉक फ्रॉम टाइम स्केल। ओल्डर रिकॉर्डर्स रिक्वायर्स अ ह्यूमन ऑब्जर्वर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। रिकॉर्डेड रिजल्ट्स माइट बी डिफर अमंग ऑब्जर्वर्स। मॉडर्न सनसाइन रिकॉर्डर्स यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स फॉर प्रिसाइज डेटा दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अ ह्यूमन इंटरप्रेटेटर। न्यूअर रिकॉर्डर्स कैन ऑल्सो मेजर द ग्लोब एंड डिफ्यूज रेडिएशन। तो जो ओल्डर रिकॉर्डर्स हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं ह्यूमन ऑब्जर्वर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स के लिए। रिकॉर्डेड रिजल्ट माइट बी डिफर फ्रॉम एमंग ऑब्जर्वर। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न सनसाइन रिकॉर्डर्स के बारे में, तो उसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, और जो कि हमें देते हैं प्रिसाइज डेटा, जो कि दैट नॉट डिपेंड ऑन द ह्यूमन इंटरप्रेटर पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। और न्यूअर रिकॉर्डर कैन ऑल्सो मेजर द ग्लोबल और डिफ्यूज रेडिएशन। तो जो नए रिकॉर्डर्स आ रहे हैं उनमें हमें ग्लोबल और डिफ्यूज रेडिएशन की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है। तो हमने बात करी पायरोहेलोमीटर के बारे में, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट करता है सोलर इरेडिएशन को, और फिर हमने बात की सनसाइन रिकॉर्डर के बारे में जो कि रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ सनसाइन एट अ गिवन लोकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।